Now we are starting question number 13, exercise 7.11. Now again we are using the odd and even function property. तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है. आपको अच्छे से याद होगा कि इवन और ओड को चेक कैसे किया जाता है. तो f माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स आ जाए तो ये आपके पास इवन फंक्शन होता है, और f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो आपके पास ये ओड फंक्शन होता है. तो हम इसको चेक कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास साइन टू द पावर 7x है इसको चेक कर लेते हैं. तो हमने यहां पर रखा माइनस के लिए और ये हो गया जी साइन और पावर 7 माइनस एक्स. देखिए साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और पावर मैं इधर ले सकता हूं. ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया है, माइनस साइन टू द पावर 7x, यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू मेरे पास माइनस एफ एक्स आ गया. तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन, ओड फंक्शन है. और ओड फंक्शन में क्या ऑप्शन होता है, सिंस एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, अगर वो ओड फंक्शन रहता है तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी रहेगी, माइनस ए एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाली प्रॉपर्टी रहेगी. तो आपके पास सेम यहां पर ये सारा का सारा जो सम है वो किसके इक्वल टू आ जाना है, जीरो. तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.